आड़ू का जूस आप झटपट कैसे बनाएं, इतना इजी। कौन कौन सी आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं तो जूस इतना मजे का नहीं बनता, टेस्टफुल नहीं बनता, बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। बिना टाइम वेस्ट के बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आधा किलो मेरे पास आड़ू हैं जनाब। सीजन के हिसाब से मैं रेसिपियाँ लेके हाजिर हो रहा हूँ। सीजन वाली रेसिपियाँ, जो सीजन में चीज़ें मौजूद है, फ्रूट मौजूद है, वो वाली रेसिपियाँ जनाब लेके हाजिर हो चुका हूँ मेरे किचन से आपके घर तक। रेसिपियाँ जल्दी से बना लें, बच्चों खुश कर दें। यहाँ पे सबसे पहले आधा किलो मैंने आड़ू ले लिए हैं और उनको हम कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। ये देखे जी, इस तरह बाइट्स रखेंगे तोड़ तोड़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। रफली कटिंग कर लें, कोई बात नहीं जनाब। जनाब इस तरह रफली सी कटिंग कर लेंगे। इसी दौरान जनाब चैनल पे नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। इसकी गुटियां साइड पे कर देंगे जी। यहाँ पे इसकी गुटियां मैंने साइड पे कर दी और यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है आड़ू की। चले जी, यहाँ पे सबसे पहले अपने आड़ू को उठाएंगे, खूबसूरत से एक जग में डालेंगे। ये है जग, वो वाला जग नहीं है जो मशीन के साथ होता है। मैं आज आपको स्टिक ब्लेंडर से बनाना सिखाऊंगा, कैसे आप लोग स्टिक ब्लेंडर से बना सकते हैं। आपके पास ब्लेंडर हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, स्टिक ब्लेंडर हो तो उसमें भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर फुल डिपेंडेंट है। अब इसमें एक लीटर पानी चले जाएगा और यहाँ पे मेरे पास हाफ कप शुगर है, चीनी है वो जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास है काला नमक और सफ़ेद नमक, टू टू पिंच, दो दो चुटकियाँ जनाब जी। अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। चले जी, यहाँ पे डन हो चुका है। तो लीला जूस रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। चले जी करते हैं इसको सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। सुबहान अल्लाह जनाब, सुबहान अल्लाह। अल्लाह की नेमतों को खाएं और अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें। अब हम इसको ठंडा ठंडा करेंगे जनाब आइस क्यूब डाल के। आप लोगों के पास आइस क्यूब ना हो तो बर्फ़ को तोड़ के डाल लें जनाब। चलिए जी, अब मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर। ब्लैक पेपर हो आप लोग के पास ब्लैक पेपर डालें, वाइट पेपर हो वाइट पेपर डालें। वन वन पिंच जनाब इसमें डालेंगे। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके जो जोड़ों में दर्द होती है उसको सही करेगी, इससे रिलीव आपको इनको रिलीव करने में हेल्प आउट करेगी। चलो जी मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे इसका कलर कितना प्यारा और कितना ब्यूटीफुल है। कलर तो खूबसूरत है पर उतने ही इसके फायदे हैं जनाब, उतने ही ये बेनिफिट है हमारे लिए। जिन लोगों को वीकनेस है, जिन लोगों को कमजोरी है, मेरे बहन भाइयों को, मेरे बच्चों को कमजोरी है, वो ये बना के पिए, इंशाल्लाह उनकी कमजोरी दूर हो जाएगी। ये आयरन का ये खजाना है जनाब, विटामिन सी इसमें है। आप लोग ये जरूर पिए, बना के अपने बच्चों को दें। बच्चे जब स्कूल से आते हैं गर्मी से, तो गर्मी के लिए मैं स्पेशल रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ अपने बच्चों के लिए। ये जल्दी से जनाए जाए, बनाए पिए और खाए, मुझे दुआ में याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। एक चीज लगाना भूल ही गए जनाब, इसके मैंने आड़ू के मैंने स्लाइसिस काटे थे, मैं लगाना भूल गया, मुझे जल्दी से याद आया और मैं लगा दी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल रेसिपी। जिन लोगों का वीकनेस है उनकी वीकनेस का हो जाएगा खात्मा ये वाली रेसिपी पीने के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगती है रेसिपियाँ मेरी। ज्यादा मेरी छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगती है, मैं खुद बच्चा हूँ। आप लोग मेरी ज्यादा से ज्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट जब आप लोग करते हैं प्यारे प्यारे खूबसूरत से तो मेरे दिल को खुशी मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। स्टे ऑलवेज हैप्पी।